Hi guys, welcome back to the channel. Thank you so much for tuning in, and you know me, I am JYOTI PANDEY. ये मेरा first vlog है जो मैं पूरा day out vlog करने वाली हूँ. मैं try कर रही हूँ. Let's see, मेरे एक friend ने मुझे suggest किया. She is a vlogger herself. वो vlog करती है and she I am a subscriber. तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि यार एक बार vlog try करो, बहुत fun होता है. तो और वो काफ़ी सारे vlogs करती है. तो मैंने बस सोचा कि चलो वो जितना करती है वो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकती है. मतलब वो तो माय गॉड हर एक चीज़ को यू नो कैमरे में कैप्चर करती है. इतनी छोटी बेबी के साथ वो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है. बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं. तो मैं ट्राई कर रही हूँ. ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा अब तक का, पूरा डे आउट व्लॉग. अब सुबह के कुछ 7 बज रहे हैं एंड मेरा नहाना हो गया है, पूजा हो गया है. अब मैं अपने किचन में हूँ. व्यू चेंज. किचन में मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी और लंच भी साथ ही साथ बना लूँगी, क्योंकि मेरी बेबी बहुत छोटी सी है और जब तक मेरे हस्बैंड हैं घर में तब तक ही मेरे पास टाइम है कि मैं अपना लंच खाना किचन का सारा काम कंप्लीट कर लूँ. क्योंकि एक बार वो निकल गया ऑफिस के लिए, उसके बाद मतलब फिर मेरी बेबी मुझे नहीं छोड़ती. तो उसको साथ लेके वो काम करना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल. डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, इट्स इम्पॉसिबल. एंड हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे छोड़ के किसी के भी पास नहीं जाती. वो जाती है मतलब इफ आई एम देयर तब वो चली जाएगी, तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब इफ़ शी कैन सी मम्मा अराउंड, जब उसे वो मम्मा नज़र नहीं आती तब बस वो रोना शुरू. तो इसीलिए जब तक वो लोग सो रहे हैं, अभी दोनों जन सो रहे हैं, तो तब तक मेरा सारा काम मुझे फिनिश करना है. ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आज आलू पराठा सोचा, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट. कल मेरा फास्ट था, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है इसीलिए मैं फ्राइडे फास्ट करती हूँ. तो मैंने सोचा चलो फिर अब थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बना लिया जाए, अदरवाइज मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट करती हूँ. तो मैं आज आलू पराठे बनाने वाली हूँ, एक स्पाइसी वाला हमारे लिए और एक प्लेन वाला बेबी के लिए. देखते हैं वो आलू पराठे एंजॉय करती है नहीं. एंड लंच का पता नहीं, अभी भी मैं किचन में आई हूँ तो पता नहीं लंच में मैं क्या बनाऊँगी. बट दाल तो ऑब्वियसली फॉर श्योर है, दाल तो होगा ही होगा. दाल के साथ चावल और सब्जी में मैं देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी. तो मैं आई डोंट नो हाउ गुड आई एम या हाउ गुड आई विल बी व्लॉगिंग, बट स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. आई डोंट नो, मैं कुकिंग तो आई डोंट थिंक मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी क्योंकि फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्पर भी आई हुई है. तो वो सब हाउस हेल्पर सब अपने कामों में लगी, वो इधर उधर वो सारे यहाँ फर्नीचर हिला हिला के सब सफाई करेगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अभी वो फिलहाल नीचे की सफाई कर रही हैं, तो अभी किचन में हूँ. मैं आकर फटाफट से फिनिश करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ. बाय. तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट अब तैयार है. मैंने बनाया आलू पराठा, उसके साथ मैं खाऊँगी दही. बेबी के लिए है थोड़ा सा सूजी का हलवा जो गुड़ में बनाए, और दही मैं उसे थोड़ी देर बाद खिलाने वाली हूँ. और मेरे लिए सुबह की चाय, मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके अपनी ऑफिस के लिए. अब मैं और बेबी हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे. फाइनली टास्क ऑफ द डे ओवर. बेबी का मालिश हो गया, बेबी ने नहा लिया, बेबी ने ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट में उसने खाया सूजी का हलवा और थोड़ी देर बाद उसने खाया दही, और उसके बाद उसने उसके मेडिसिन लिए क्योंकि वो उसकी तबीयत सही नहीं है अभी, तो वो भी मेडिसिन पे है. और उसके बाद थोड़ा हमने खेला. हमने क्या खेला, उसने खेला, मुझे ज़बरदस्ती खेलना पड़ा उसके साथ. बहुत टायर्ड हो गई और अब भी जाते हुए सोई है. तो बस मैं अभी थोड़ा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं जो हमने मेस क्रिएट किया है हर जगह जगह चीज़ें फैला दी है उसे ठीक करना है. और उसके बाद वो सो कर उठेगी, उसके बाद फिर उसे लंच देना है. तो फिर मैं
मैं ट्राई करूँगी अगर लंच करते वक्त मैं ब्लॉग कर पाऊँ तो उसे लंच करते हुए देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। वो बहुत इन्जॉय करके लंच करती है क्योंकि उसे डांस करके खेल खेल के खाना बहुत पसंद है, तो उसके साथ साथ मुझे भी डांस करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तो हम दोनों बहुत मज़े करते हैं। तो या लेट्स सी, बाय। देखिए ये मेरा घर सुबह साफ था और अब ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि मेरे डॉल को हर एक चीज़ को उठा के उसे इधर उधर रखने में बहुत मज़ा आता है, तो वो बड़ा इन्जॉय करती है ये सब काम। उसने अपने सारे डॉल्स को मिस इधर उधर रख दिया, मिसप्लेस कर दिया, कुछ तो ऐसे ही खो जाते हैं, फिर बाद में उसको वही चाहिए होता है जो उसको नहीं मिलता। अब एक बार ये चक जाएगी उसके बाद मेरी डबल ट्रिपल मेहनत शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसे थोड़ा सा काफ़ी देर से सो रही है, तो मैं इसके फिर नीचे लेकर जाऊंगी इसकी दादी के पास और उससे पहले तो कपड़े पहनाऊंगी वो ऐसे सो के नहाने के बाद, और फिर ये सारा मेस साफ़ करना है, इसे फिर कुछ पीने के लिए देना है और उसके बाद से थोड़े से फ्रूट्स खिलाने हैं और लंच कराना है। बस फ़िलहाल यही है और मैं भी लंच करूँगी थोड़ी देर में, इसके लंच करने के थोड़ा टाइम बाद। बस ये सब कुछ अभी ख़त्म करते हैं और उसके बाद लंच करते हैं। आज का डे काफ़ी प्लेन प्लेन सा जा रहा है, जनरली इतना प्लेन डे जाता नहीं क्योंकि वो जनरली इतना सोती नहीं है, आज वो थोड़ी सी टायर्ड हो गई है, शायद पता नहीं उसे थोड़ा वीकनेस भी लग रहा होगा, पता नहीं किस वजह से, बट वो नहाने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद आराम से अब सो रही है, तो चलो अच्छी बात है थोड़ी रेस्ट ले लेगी। तो वैसे भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम सोती है, तो इसे थोड़ा और सोने देते हैं। मैं ये सारा घर का ताम झाम ठीक करूँ जो उसने क्रिएट किया है, और मैंने ये इसका हेयरबैंड लगाया है क्योंकि हम दोनों हेयरबैंड लगा के खेल रहे थे। ओके पा, तो हो गया बहुत सारा खेलना बेबी का, तो अभी मैं जा रही हूँ और बेबी को लेकर आती हूँ और फिर उसे लंच कराती हूँ, वो नीचे खेल रही है। कितना इनएक्टिव है टफी, मेरे बेबी अपने आप को एंजॉय करे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बता दो, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं अपनी किचन में। क्यों क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेबी के खाने का टाइम हो गया है, तो खाना लेके आना पड़ेगा, खाना है किचन में, है ना? हम आपको कितनी बार किसी लेती है बच्चों दिन में, कपड़े सूख रहे हैं। चलो किचन, हेलो किचन, किचन को हेलो कर दो, हेलो किचन। चलो आप बैठो यहाँ पर, मम्मा खाना लेके आ गए, तो मैं खाना निकालो फिर हम साथ में खाएंगे। मेरे बेबी खाना खाने के लिए रेडी, खाने रेडी, खाना खाए, खाना खाए हम लोग।
बता दो बता दो। हाँ देखो यहाँ देखो मम्मा का है। मम्मा बंद कर दी, मम्मा बंद कर दी, देखो हो गया। आपको पानी पीना है? ओ तो 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 इसको यहाँ रखो बेटा, यहाँ रखो, यहाँ पे रखो। वेरी गुड। ओ अले अले अले, अच्छा इधर इधर इधर, इसके अंदर, इसके अंदर रखो, यहाँ पे। हाँ वहाँ पे रख दो उसको, रख दो। वेरी गुड वेरी गुड। ओ ओ ओ गिर गया, कोई बात नहीं, मम्मा रख देगी, मम्मा रख देगी। मम्मा आपको खाना खिला दे, ये मम्मा खिला देगी, इससे इससे मम्मा आपको खिलाएगी, थोड़ा थोड़ा आ कर दो। हाँ तो एक छोटा सा झलक मेरे झलक के साथ, है ना झलक बेबी? आप कैसे खाना खाते हो? आप गुड गर्ल की तरह खाना खाते हो ना, है ना? आप गुड गर्ल हो क्या? ओ ओ ओ कितना प्यारा बच्चा है, पर ये बच्चा सिर्फ 2 या 3 स्पून ही खाने वाला है उसके बाद ये प्यारा बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खाने वाला है ना बेबी? आप अच्छे अच्छे करते हो ना। हाँ कर दो फ्लाइंग किस। चलो आप खाना खा लो, बस हो गया खाना हो गया। मेरी बेबी का खाना हो गया। बताओ प्रिंसेस कैसे आती है? जूम 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 करके आती है, जूम 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 जूम। और नित्य डांस कैसे करती है? आ आ आ। और गाना कैसे गाती है मेरा बेबी? हाउ डू यू सिंग अ सॉन्ग? ओ आपको पानी पीना है? हाउ डू यू सिंग? गाना गा के बता दो बाबा। हाउ डू यू सिंग बता दो, मम्मा को बता दो। सिंग अ सॉन्ग फॉर बेबी, सिंग अ सॉन्ग। मम्मा विल सिंग अ सॉन्ग फॉर माय लिटिल बेबी, है ना? और फिर बेबी कैसे खाएगी? और फिर बेबी आ आ आ। बता दो प्रिंसेस कैसे आती है? प्रिंसेस कैसे आती है? जूम 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 करके आती है। ये सो ये सारा कुछ ड्रामा करके मैं समहाउ ट्राई करूंगी ये कुछ तो खा ले। ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स अभी तक खाना खा रहे मेरा बच्चा, ना मुझे खाना खिलाने दे रही है ना खुद से तो वो कुछ खाना खा रही है। बेटा 2 दर्रा चावल। बेबी आप हैंड सैनिटाइजर के साथ क्या कर रहे थे? आप हैंड सैनिटाइजर के साथ क्या कर रहे थे? उसके साथ क्या कर रहे थे आप? ये इसके साथ आप क्या कर रहे थे? ओ ए इसमें नहीं, आपके हाथ पे ले लो, आपके हाथ यहाँ ले लो। नहीं ना बेटा राइस में नहीं, बस अब ये पता नहीं कब खाएगी, बहुत देर से तो मैं बैठी हूँ उसके साथ, कुछ ही नहीं खाया ये देखो। हाँ हाँ बेबी ना ना बेटा ना, हाँ मम्मा को दे दो। हाँ ओ वाह वाह, अच्छा सिर पे भी लगाते हैं, अच्छा 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 नहीं इस ओहो हाँ जा। वो आपको क्या चाहिए? अच्छा सबको सैनिटाइज कर दो, हाँ सब कुछ सैनिटाइज कर दो अच्छी तरह से, उसके बाद खाना खाएंगे। वो प्लेट का और ट्रे का उठा के खाओ, यहाँ से मत खाना। नित ना करो बेबी, ऐसे नहीं करते ना, हाँ ऐसे भी नहीं करते। नित मत करो बाबा, ये तो मम्मा को दे दो। आपको पता है आपका बुक का है शो ना? और मुंह में डालो नित बेबी, खा लो सोना। अच्छा ये देखो आपका बुक कहाँ है बता दो, बुक है वो मम्मा दे रही है। आपको पता है बुक में ना, बताओ आप मुझे बताओ बुक में डॉग कहाँ है? बेबी डॉग कहाँ है? डॉग कहाँ है? पे डॉग किधर? वेरी गुड, आपको डॉग्स पसंद है, वो डॉग है। चलो डॉग को खाना खिलाते हैं। डॉग खाना खा लो तो डॉग आ करो आ करो आ करो आ करो आ करो आ करो, दो खाना खा लो।
हाँ मम्मा दे रही, मम्मा दे रही। बेबी गिर जाएगा ना, मेरा छोटा बेबी गिर गया तो मेरा छोटा। तो मेरी प्यारी सी डॉल अभी अपने ब्लॉक्स के साथ खेल रही है, वो उसमें ट्रेन बनाएगी और पता नहीं क्या, और अच्छा उसका फ्रूट बास्केट भी है। तो बस अभी मैं बेबी के साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी। आज इसका मूड थोड़ा ठीक ठीक सा नहीं लग रहा। इसने सुबह से 2 times वोमिट भी कर दिया, एज ए सेट की तबीयत भी सही नहीं है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करूँगी। बेबी आप क्या बना रहे हो? बेबी वो तो वो नहीं है पापा, वो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आपका एलिफेंट ले लो। तो ये थोड़ी सी आज क्रैंकी बिहेव भी कर रही है, तो शायद मैं और नाइट लेट नाइट तक व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, डिनर वगैरह शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो बस अभी बेबी के साथ मैं खेलूँगी, इसे थोड़ा सा अभी कुछ खिलाऊँगी, और अगर ये भी सोना चाहती है तो मैं इसको थोड़ा सुला दूँगी। तो दैट्स इट फॉर द डे आउट व्लॉग। एनी वे वो पूरे दिन का ही व्लॉग था, रात का व्लॉग इंक्लूडेड नहीं है उसमें। बेबी आप गिर ना जाओ ना, दैट्स इट। चलिए टेल मी इफ यू लाइक, इफ यू लाइक द वे आई डिड माय फर्स्ट व्लॉग। आई नो वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ होगा, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज़ आई होप यू लाइक इट। चलो बेबी हम लोग बास्केट में फटाफट से डाल लें सारा, सब बास्केट में डाल दो, पुट इट इन द बास्केट। या तो मैं अपनी शोना बेबी के साथ डे एंजॉय कर रही हूँ, और अभी इवनिंग के 6:30 के ऊपर हो गया। तो बस बाय बाय एवरीवन, लेट्स से बाय टू एवरीवन, बाय बाय। अच्छा यू डोंट सी एनीबडी, सो यू नॉट सेइंग बाय ऑब्वियसली। ओके बाय, फाइन किस दे दो शोना। परफेक्ट एंडिंग।